पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव के 80वें जन्मदिन को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया द्वारा बड़े ही जोर शोर से मनाया गया। कार्यक्रम में पार्टी की जिला कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई। इस मौके पर सपा के तमाम कद्दावर नेताओं ने सपा से किनारा करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सदस्यता ग्रहण की। महोबा में पूर्व सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सपा से नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सदस्यता ग्रहण की। चौधरी छत्रपाल यादव के आवास में जिला कार्यकाल का भव्य उद्घाटन भी किया गया। कार्यकाल का उद्घाटन चौधरी छत्रपाल, नियाज मोहम्मद और जिला अध्यक्ष मोहम्मद लाइक ने सामूहिक रूप से किया। कार्यकाल उद्घाटन के बाद केक काटकर मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में तकरीबन 100 कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए वरिष्ठ नेता चौधरी छत्रपाल ने कहा कि शिवपाल जी की नीतियों से हम लोग प्रभावित हैं, इसलिए अब अलग झंडे और बैनर के तले समाजवाद की अलग जगाएंगे। लोकसभा भी हमारा दल लड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सपा नकली सपा है जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। असली सपा तो शिवपाल प्रगति समाजवादी पार्टी है। एक मुस्लिम और यादव नहीं, सर्व समाज में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी काम करेगी और ये सिंबल नहीं लगेगा कि मुस्लिम और यादव। हमें तो सारे लोगों की जरूरत है, जो भी लोग आएंगे हम सबको साथ में लेके काम करेंगे। आरोप लग रहे हैं कि आप भाजपा की भी टीम हैं। भाई आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, और जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने राष्ट्रीय लोकदल से अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन किया था कि जिनका आज हम 80वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने जब इस पार्टी का समाजवादी पार्टी का गठन किया था तो उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। भाई लोकतंत्र है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। बहुत अच्छा अनुभव कर लोकसभा 79 सीट में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी लड़ाएंगे, जैसे उनसे बात हुई, और सब लोग सहयोग करेंगे। पार्टी अच्छी है, अच्छी रहेगी, और माननीय शिवपाल सिंह ने तो पार्टी में काम किया है। जो नए लोग आए हैं उनको तो बना बनाया दिया गया है, वो भी नहीं चला पाए, वो भी बिगाड़ दिया। बी क्यों बनेगी? ए बनती बनना होता, जब बी क्यों बनती बनना होता तो ए बनती। हमारी तो पार्टी प्रगतिशील है, और प्रगतिशील ए का क्यों, ए बनते बी में क्या मतलब था। न्यूज़ बीके के लिए महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।